कहां छुपा रखा है वो सोना? मैं सोने के बारे में कुछ नहीं जानता। महाकाल का माल हजम करना इतना आसान नहीं है। अरे महाकाल, ये बहुत ढीठ है, इसने पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मार खाई है। ये मार खाकर बकने वालों में से नहीं है। हाँ, कसम बहादुर की, इसे तो गोलियों से ही भूनना पड़ेगा। हाँ सही कह रहा है बहादुर सिंह, इसका नंबर गोलियों से मिटाना पड़ेगा। मैं सच कहता हूँ महाकाल, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, उसने हमें देख लिया। चलो, मासूम भाई को मुझसे छीना, तो उसकी जिंदगी उससे छीन लूंगा, मिटा डालूंगा उसको, नहीं छोड़ूंगा मां, नहीं छोड़ूंगा। आपने जो कार नंबर MXY777 देखी है, उसकी रिपोर्ट हमने RTO ऑफिस से मंगवा ली, लेकिन इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इस नंबर की कोई गाड़ी है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस नंबर की गाड़ी आज से एक साल पहले खंडाला घाट के एक एक्सीडेंट में जल चुकी है। जल चुकी है? नंबर तो बदल दिए, मगर वही नंबर उन सबको खींच कर मुझ तक लाएंगे। वो किस तरह? अगर वो चालाक है तो मेरा नाम भी अर्जुन है। ऐसा तीर निशाने पे मारूंगा कि लगते ही ढूंढते हुए खुद मेरे पास आएंगे। वही नंबर वाली गाड़ी बेचने का एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब है जो खून हमने खंडाला में किए, ये आदमी उसका राजदार है और वो जल्द से जल्द हम तक पहुंचना चाहता है। कसम है बहादुरी की महाकाल, मुझे तुझे कोई इंसान नहीं लगता, ये तो कोई चला खोपड़ी का खतरनाक जानवर लगता है। मतलब ये कि नमरी दास की नंबरों की डायरी बिल्कुल सही जा रही है। नमरी दास, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, अगर वो चालाक है तो हम भी उससे कम नहीं। सुनो, तुम उसे होटल के कमरे से खींच कर यहां ले आओ, फिर देखना उसे महाकाल के चक्र भी उसे कौन बचा सकता है। याद रखो, कमरे का नंबर है 817। आठ एक नौ और सात सोना, छे और एक सात, 7 इज लकी फॉर मी। कम इन। हाँ?
सब खाली है। बैठ जा कुत्ते। कार नंबर MXY 777 से क्या रिश्ता है तुम्हारा? कौन है तुम? सामने क्यों नहीं आते? सामने भी आऊंगा और अपने हाथों का कमाल भी दिखाऊंगा तुझे। तुम्हारे लिए यहां के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और चाबी मेरे पास है। बचकाने हरकतें मत करो। गधे हो तुम। नंबर तो साथ ही था। बोल मेरी माँ और मेरे भाई का कातिल तू ही है ना? बोल। आजा आजा। अंधेरे में क्या छुपा हरामजादे? आज मैं तुझे मौत के अंधेरे में दफन कर दूंगा। हिम्मत है तो निकल भाग। तो तुम ही हो मेरी मां और मेरे भाई के हत्यारे। आज मैं तुम सबको कुत्ते की मौत मारूंगा। नादान शिकारी, जो पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है उसमें हमने नकली गोलियां भर दी थी जो सिर्फ आवाज करती है, मगर इस पिस्तौल में असली गोलियां है। डर के भाग गया साला, वरना अभी तक पुलिस क्यों नहीं? अभी आती होगी, कसम बहादुर की, पहली बार चला के दिखाई है मैंने। महाकाल,
ये पुलिस का नंबर क्यों? किस लिए? इसलिए। ये क्या पागलपन है? मुझ पर गोली क्यों चलाई? नंबरी दास, यही तो तुम्हारी खोपड़ी के नंबर मेरी खोपड़ी के नंबर से मार खाते हैं। पुलिस को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, यहाँ पर खून हुए हैं। खून? हमला किसका? पुलिस। नंबरी दास, आज लगता कि तेरे सारे नंबर उल्टे होने वाले हैं। तू पागल तो पागल तो नहीं हो गया? पुलिस क्यों? हमें फोन पर खबर मिला है यहाँ खून हुआ है। लाश कहाँ है? लाश अभी गिरी नहीं है इंस्पेक्टर, गिरने वाली है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। ये नंबरी दास, अब समझ में आया ना खून कहाँ हुए हैं? मेरी तो खोपड़ी में नंबरों की चोपड़ी पड़ गई। कसम बहादुरी की, ऐसी ऐसी बहादुरी तो मैंने पहली बार देखी है महाकाल। बहादुर सिंह, बहादुरी का पता तो तब चलेगा जब इन दोनों के खून का इल्जाम अर्जुन पर लगेगा। मगर ये सुल्तान नंबर उल्टा है, कैसे होगा? नंबरी दास, बात सीधी सी है। इस पिस्तौल पर और बंगले के बाहर जो मोटरबाइक खड़ी है, उन दोनों पर अर्जुन की उंगलियों के निशान है। बाकी कोर्ट में गवाही नंबरी दास देगा। अर्जुन ने उसके सीने पर गोली दागी, मगर इत्तेफाकन वो गोली उसके बाजू में लगी। वाह, अरे वाह मेरे यार, वाह। अरे जियो हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। अब ये उल्टा नंबर सीधा नंबरी दास की खाए खोपड़ी में उतर गया। अब अर्जुन जिधर भी जाएगा, लेकिन पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा।